हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, पोर्टल 11/11 यानी कि 11 नवंबर आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस ला रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस और इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। ये एनर्जीज रियलाइजेशन का टाइम है, खासकर डिवाइन मस्कुलिन का। चलिए बात करते हैं आज इसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंगदिष्टो। आपकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, सर जो 11/11 आ रहा है, 11 नवंबर आ रहा है, उसके बाद से हमारी एनर्जीज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। इस खास वीडियो में आज हम ये भी जानने वाले हैं कि किस तरह आप अपने डिवाइन मस्कुलिन पे और फेमिनिन पे असर करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने पे आपके ऑरा में चेंजेस आ जाते हैं। इसी सब टॉपिक पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले, आप एक कॉर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी डेफिनेटली आपकी डिवाइन मस्कुलिन पे, डिवाइन फेमिनिन पे असर करती है। अगर आप डाउन फेस में हैं तो डेफिनेटली वो जो रियलाइजेशन का टाइम है, वो जो इनर वर्क का टाइम है, जब आपकी अवेकनिंग होती है, आप एनर्जीज के बारे में रियलाइजेशन करना शुरू करते हैं, आप अपने आप के बारे में रियलाइजेशन करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे एनर्जीज क्या है, आसपास मेरे क्या चल रहा है, आप अवेकन होते हैं। वो जो फेज होता है, वो ये सब पोर्टल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये पीक टाइम होता है जब आप रियलाइजेशन करते हैं कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज का। जैसे दिवाली के बाद से ही, अमावस्या के टाइम से ही, अब धीरे धीरे से मून ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रह गोचर जो एस्ट्रोलॉजिकली है वो चंद्रमा आते हैं शनि के साथ। जो फेमिनिन एनर्जी में चेंजेस है, फेमिनिन एनर्जी ही रियलाइजेशन करती हैं पहले। बहुत सारे लोग ये फेमिनिन एनर्जी में है या डिवाइन फेमिनिन है, उनको पहले रियलाइजेशन होता है, अवेकनिंग होती है। और डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन में भी होती है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के थ्रू ही हम बने हुए हैं। अगर कोई भी इम्पैक्ट फेमिनिन एनर्जी में होता है तो वो डीएम रियलाइजेशन करता है, उनको इस रिलेशनशिप के बारे में संजीदगी पता चलती है, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कितना बॉन्ड गहरा है। और आपकी लाइफ में जो भी इस समय चलेगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल लाइफ में, क्योंकि ये जो पोर्टल होते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले 8/8 पोर्टल हो गया, 9/9 पोर्टल हो गया, ये मेजर पीक टाइम्स होते हैं। न्यूमरोलॉजिकली वन नंबर शो करता है सूर्य को, इसीलिए वन नंबर बार बार लोगों को दिखता भी है। जैसे 1/1 हो गया, 1/1 हो गया, या 1/1 हो गया, इस तरह के नंबर्स तभी दिखते हैं जब आप अपने आप से पहली बार कनेक्ट होना शुरू होते हैं। बहुत सारे और भी नंबर दिखते हैं जो आपको स्पेसिफिक मीनिंग आपके अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो 11 है, 11 नवंबर है, बेसिकली सूर्य की ऊर्जा को बहुत अधिक ट्रिगर करता है। खासकर अभी 24 डिग्री के सूर्य चल रहे हैं तुला राशि में, तुला राशि के बाद ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो जैसे ही वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं, जैसे जैसे इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। खासकर इसमें फीलिंग थोड़ा डाउन हो सकती है, आप लोग अकेलापन फील कर सकते हैं, और रियलाइजेशन का टाइम है, खासकर डिवाइन मस्कुलिन के रियलाइजेशन का टाइम है। वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ, हमारी डिवाइन फेमिनिन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। और यहाँ पे इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, बहुत सारा जो कार्मिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में पहले आ रहे थे, वो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, ये कार्मिक लोग हैं, इनकी वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। एक पिक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक पार्टनर है, जैसे ही पास में आता है आपका ऑरा प्रॉपर बन जाता है, और जितनी भी निगेटिव एनर्जीज होती है वो आपकी लाइफ से चली जाती हैं। उसी तरह जब आप लोग साथ में होते हैं, आपका करियर भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, आप अच्छे से अपनी लाइफ में फोकस दे पाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी तरीके से एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क करते हो कि यहाँ पे मिरर करना ये लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी हों, आपकी मैरिज हो गई हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर हो, तभी भी आप फील करेंगे, अगर आप इंडिविजुअली फील करते हैं कि आप इस जर्नी में हैं, आप डिवाइन मस्कुलिन या फेमिनिन के फॉर्म में हैं, भले अपने हायर वर्जन तक ना हो। और ये जो पोर्टल है एक्चुअली आपको हायर वर्जन तक ले जाने के लिए है। ये जो पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल आपको हायर फॉर्म में, आपके स्पिरिचुअल हायर फॉर्म में ले जाने के लिए। कौन कौन से मेजर चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो रियलाइजेशन होगा डीएम को। दूसरी बात है, उनकी जो जिन चीज़ों को वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे, और जो इमोशंस को दबाने वाली टेंडेंसी होती है, जैसे कि हमने पास्ट लाइफ में, पास्ट
बैगेजेस जो क्रिएट किए वो इसीलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि हमारे इमोशंस दबे हुए हैं, हमारी फीलिंग्स दबी हुई हैं, हम प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो लव रिलेटेड कोई इशू हो, अपना जो पार्टनर से कहना चाह रहे हैं वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन सब में बहुत चेंजेस आएगा। ये इम्पैक्ट डिवाइन फेमिनिन के लिए भी होगा क्योंकि अगर कोई भी डिवाइन फेमिनिन अगर उस फॉर्म में है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और इस रियलाइजेशन नहीं कर पा रही कि ये रिलेशनशिप कैसा है, तो डेफिनेटली ये चेंजेस, ये पोर्टल आपको इस टाइम पीरियड में, इस डायनेमिक्स में जो रनर चेजर का अप डाउन होता है उसको भी कम करने वाला है। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और अब मैं बताता हूँ किस तरह एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, हम सभी इन 7 चक्रों द्वारा निर्धारित होते हैं। ये हमारे 7 शरीर कौन कौन से, हमारी फिजिकल बॉडी हो गई, राइट। हमारी फिजिकल बॉडी मूलभूत चक्र रूट चक्र से कनेक्टेड है, राइट। आपकी कनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसा है, अगर पास्ट बर्थ में आप सेपरेट हो गए होंगे किसी खास कारण से, मान लीजिए फेम या किसी करियर इशू के कारण आपस में ईगो क्लैश आ रहा है, तो आपका सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देना है, सूक्ष्म शरीर पे ध्यान देना है। अगर आपका इमोशनल कोई स्ट्रगल आ रहा है या सेक्चुअली कोई स्ट्रगल आ रहा है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, रियूनियन नहीं हो पा रहा है, तो आपको सैक्रल चक्र पे ध्यान देना है। इसीलिए चंद्रमा की जो एनर्जी है, जो जल तत्व आप में, ये बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ये ट्रिगर होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ डाउन तो जरूर फील होता है क्योंकि दिस इज अ फेज ऑफ रियलाइजेशन। बहुत सारे लोग इसीलिए मैसेज आ रहे थे आप लोगों को इस समय, सर मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से इनर वर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न यही है क्योंकि जब उनके चंद्रमा जो मंस हो जातक होते हैं, मन मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, आपका जो सैक्रल चक्र होता है उसमें ट्रिगर हो जाता है। जब वो ट्रिगर होता है तो जो पास्ट लाइफ डीप संस्कार हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं तो आपको बॉडी पे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। इसी का एक फॉर्म है कि आप अपने पार्टनर को भी ट्रिगर करते हैं, एक्चुअली उनकी भी एनर्जीज को फील कर पाते हैं, उनके भी पेन को फील कर पाते हैं। ये रियलाइजेशन का टाइम मतलब क्या, हम अपने अंदर झांक पाना, अपने अंदर देख लेना। सूर्य हमको इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड करते हैं, सूर्य हमको ये बताते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, आपका हायर वर्जन क्या है। तो ये जो पीक टाइम है, बहुत पहले से ये एनर्जीज ट्रिगर रहती हैं, बट ये जो पीक टाइम होता है इसके बाद चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और ये चेंजेस आपको रियलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, ये चेंजेस आपके ऑरा इन्हेंसमेंट की तरफ ले जाएंगे, आपका रिलेशनशिप भी बहुत ग्रोथ करने वाला है। ये टाइम ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी इनर वर्क करेंगे, अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्लेसेस पे जाइए जहाँ पे आप अकेले हैं, ऐसे प्लेसेस पे यात्राएं करिए जहाँ पे बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं, जिसको थ्रू आपको ये जो इम्पैक्ट है 11-11 का, ये कलेक्टिव बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस कलेक्टिव एनर्जीज का आप फ़ायदा उठाइए इस, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब बदलती है, जैसे आपकी एक कॉन्शियसनेस हो गई है जिस बॉडी में आप एडजस्ट करते हैं, आपकी उसकी वाइब्रेशंस हैं, लेकिन इस कलेक्टिव एनर्जीज में जब वाइब्रेशंस चेंज होती हैं तो आप पर मेजर इम्पैक्ट आता है। अगर आप उस समय इनर वर्क करते हैं, उस टाइम पीरियड में इनर वर्क करते हैं, आपको बहुत जल्दी रियलाइजेशन होता है, आपकी जो कार्मिक एनर्जीज हैं वो सारी रिलीज होने लगती हैं, आपको बहुत बेटर फील होता है। ओनली ये नहीं कि आपको फील गुड हो रहा है, आप महसूस करेंगे आपके लाइफ में जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे। कोई भी फैमिली इश्यूज चल रहा है, किसी भी तरह का स्ट्रगल आ रहा है जो कि करियर में है, आप फोकस अगर नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को इन्हेंस करने का, अपने हायर वर्जन तक पहुंचने का। तो ये इम्पैक्ट लेके आ रहा है पोर्टल 11-11। तो होपफुली आपको ये शॉर्ट सी और स्वीट सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो के अपडेट भी आप तक पहुंच सके। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन लेके आ रहा हूं जो कि कलेक्टिव होगा, जिसमें अभी कुछ ही दिनों हाल फिलहाल में आएगा। आप लोग टेलीग्राम के नीचे लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, अगर मैं लिंक देता हूं तो आप तक जिसमें पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।